So, guys, first of all, as an introduction, the first thing I would like to share this lab, which I have just अभी में जो मेरा previous batch था, I was working with them and configuring these servers. So in MCSA, we are going to do all those stuff. So you will be having two different options. Either you can set up this lab on your own environment if you have a good system. So I have a good system as well. So I have deployed this lab in my लोकल एनवायरनमेंट एज वेल, बट अगर आपके पास ये नहीं है देन यू कैन ऑलवेज गो, बिकॉज इफ यू आर ज्वाइनिंग इन दिस कोर्स यू विल हैव एक्सेस टू दिस लैब, राइट? सो यू कैन डिप्लॉय ऑल दीज थिंग्स ऑन दिस लैब, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर दिस कोर्स. सो आई विल टेल यू हाउ टू यू नो वर्क ऑन दिस लैब एज वेल, स्पेसिफिकली इफ यू आर एनरोलिंग टू एनी अदर कोर्स लाइक CCNA. सो यू विल बी हैविंग गुड नॉलेज कि आप ये डिवाइसेस वगैरह कैसे मैनेज करते हो, बट स्पेसिफिकली फॉर द सर्वर्स वी विल डिस्कस दैट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फॉर द MCSA व्हिच वी आर गोइंग टू कवर ऑन दिस कोर्स. सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज सतीश कुमार एंड आई हैव मोर देन 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन IT. सो आई हैव वर्कड ऑन डिफरेंट रोल्स एज अ हेल्प डेस्क एडमिन एंड आई इंफ्रा एडमिन एज वेल. It used to be 4 companies, but I have now completed 5 companies. So I am certified on Windows Server 2016 MCSA, and also I have I'm a trained professional on Office 365 Exchange, Exchange Online, Azure, and VMware as well. Okay, so that was just an introduction. So before you know, moving further, this is the most important part to understand MCSA, right? Or to understand server environment. Am I audible to everyone? Please say yes or no. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. Yes, sir. Thank you. All right. So if you have any question, you can put on chat. Okay. So I would like to just continue this. So let me just maximize this and let me show here. I had this animation on this, so it's just a little slow. Okay, so this is the most important, or sorry, this is the most common environment if you have heard or if you have take a look in this. Ab main aapko ek simple sa, if you have you know gone through with CCNA class, so you must have knowledge of this firewall and internet connectivity and all. So ye to aapko pata hi hoga, right? तो मैं इसके लिए इसको एग्जांपल देता हूँ. दिस इज कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क, ठीक है? और इसको मैं अनऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलता हूँ. मैं बोलता हूँ, आई एम नॉट श्योर कि कोई और बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बट दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. अब ये अनऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों है? आपने एक इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, दैट इज गुड, होना चाहिए आपके पास. आपने एक फायरवॉल डिप्लॉय करी है, दैट इज अगेन गुड, दिस इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क टीम. आपने एक स्विच मेंटेन किया हुआ है, इट डजेंट मैटर कि ये मैनेज्ड स्विच है नॉन मैनेज्ड स्विच है. और आपने एक एक्सेस पॉइंट भी डिप्लॉय किया. दिस इज द बेसिक बेसिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एवरी कंपनी. ये घर पे भी होता है. घर पे हम फायरवॉल ना यूज करके राउटर यूज करते हैं, और वो राउटर जो है वो स्विच भी होता है. राउटर मतलब आपका ADSL राउटर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क राउटर्स जो होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ADSL राउटर्स, ठीक है? जो ये आपके टीपी लिंक और डी लिंक और ये इनके आते हैं, या जो आपका ISP होता है वो आपको देके जाता है. एयरटेल वाले अपना देके जाते हैं, ठीक है? या जियो वाले के देके जाते हैं. सो दैट इज द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. ये तीनों चीजें होती हैं उसके अंदर ही. उसके अंदर बेसिक फायरवॉल भी होती है, स्विच भी होता है, वो एक्सेस पॉइंट भी होता है, ठीक है? बट इन कंपनी आप एक सिंगल डिवाइस यूज नहीं करते हो. यू विल हैव फायरवॉल डिप्लॉयड, यू विल हैव अ स्विच डिप्लॉयड, और आप एक्सेस पॉइंट भी यूज करोगे मोबाइल और लैपटॉप्स के लिए, ठीक है? ये आपकी फायरवॉल्स भी ऐसी आती है जिनके अंदर बिल्ट इन वाईफाई होता है. दैट्स नॉट अ केस टू डिस्कस. बट इसके अंदर क्या है कि ये जितने भी सिस्टम्स हैं सारे के सारे इंडिविजुअली कनेक्टेड हैं इस स्विच के साथ. अब दिस इज मोस्टली लाइक द होम एनवायरमेंट जो आप घर पे आप करते हो. अगर आपके पास 3-4 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, 2-3 फोन्स हैं, तो वो इसी तरीके का एनवायरमेंट है. अब इस एनवायरनमेंट के अंदर इशू क्या है? लेट्स से होम, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट होम एनवायरनमेंट, देयर वोंट बी एनी इश्यूज. घर के लिए तो क्या होगा, अगर आपका कंप्यूटर है, आप यूज कर रहे हो, ठीक है,
आपके किसी भाई का कंप्यूटर है, बहन का कंप्यूटर है अलग है, या लैपटॉप है, तो बेसिकली बात है जिसका कंप्यूटर है उसने अपना यूजर अकाउंट बना रखा है, वो लॉग इन करेगा, अपनी एप्लीकेशन यूज करेगा, अपना डेटा सेव रखेगा, ठीक है। बट इन कंपनी एनवायरमेंट दैट डजंट हैपन दिस वे। इफ यू टेक अ लुक एन दिस एंड इफ दिस इज अ कंपनी एनवायरमेंट, लेट से आई हैव थ्री यूजर्स, वन इज कॉल्ड रोहन, वन इज रोहित, अदर इज रमेश। आई हैव थ्री यूजर्स, ठीक है। नाउ इफ यू नो, जब हम किसी कंप्यूटर के अंदर लॉग इन करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर लॉग इन करने पे आपको जो कंप्यूटर के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड या जो अकाउंट होता है, सिर्फ वही बंदा उस कंप्यूटर के अंदर लॉग इन कर सकता है, इजंट इट। सो अगर मैंने रोहन का अकाउंट इस कंप्यूटर के अंदर बना रखा है, तो रोहन कैन लॉग इन टू इट। अगर मुझे रोहित को अगर इस कंप्यूटर के अंदर लॉग इन करवाना है, तो मुझे रोहित का भी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। रमेश को लॉग इन करवाना है, तो रमेश को भी उसका अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। आई हैव टू क्रिएट अकाउंट फॉर ईच यूजर्स। अब इश्यूज क्या है, जब रोहित इस कंप्यूटर के अंदर लॉग इन कर रहा है, ठीक है, उसने अपने डेस्कटॉप के अंदर जो फाइल सेव करी हैं, दे विल रिमेन ऑन इट, ठीक है। अब रोहित को कल जो है वो रोहित लेट आता है, रोहन पहले आ जाता है, रोहन इस कंप्यूटर के अंदर लॉग इन कर लेता है, ठीक है, तो रोहित नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है। अब रोहित बोलता है कि मेरे डेस्कटॉप्स के अंदर कुछ फाइल्स थी जो मैंने कल जिनके ऊपर काम किया था। अब रोहित के लिए सेम आपको दूसरे कंप्यूटर के अंदर भी सेम अकाउंट बनाने पड़ेंगे, इसके अंदर भी एक रोहन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक रोहित का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने इनके लिए बनाया, अब रमेश जो वो पहले कल जो वो इस कंप्यूटर पे बैठता था, ये कंप्यूटर खराब हो गया या इसके अंदर कोई और काम करने लग गया, इस यहाँ पे रमेश का अकाउंट था, इस वाले कंप्यूटर के अंदर रमेश का अकाउंट नहीं है, तो रमेश इस कंप्यूटर के ऊपर लॉग इन नहीं कर सकता, ठीक है, दैट्स अ लॉग इन इश्यूज। अब रोहित इस कंप्यूटर के अंदर काम, रोहित जो है वो कल इसके अंदर काम कर रहा था, उसने अपने डेस्कटॉप के अंदर फाइल्स रखी थी, ठीक है, कुछ फाइल्स के अंदर उसने काम किया था, अब वो यहाँ पे लॉग इन नहीं कर पा रहा आज, क्योंकि यहाँ पे रोहन पहले से लॉग इन करके बैठा हुआ है, रोहित अब यहाँ पे लॉग इन करता है लेकिन उसको अपनी फाइल्स नहीं मिलेंगी, है ना। सो दैट इज अ हेडेक फॉर एन आईटी पर्सन। हर एक कंप्यूटर के अंदर जितने आपके यूजर्स होंगे, या जिन जिन यूजर्स को आपने लॉग इन करवाना है, उन उन यूजर्स के आपको यूजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अब कल को ये कंप्यूटर अगर खराब हो जाता है, तो उसका डेटा भी साथ में चला गया, और जो यूजर वहां पे लॉग इन करता था उसके लिए आपको एक नया सिस्टम सेटअप करके देना पड़ेगा, विच विल टेक अ हाफ डे, 1 घंटे के अंदर या 10 मिनट के अंदर वो नहीं हो सकता, राइट। सो दैट इज वन प्रॉब्लम। आप हर कोई किसी को लॉग इन नहीं करवा सकते, अगर आपने लॉग इन करवाना है तो आपको यूजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सिस्टम पे, तभी वो लॉग इन हो सकता है। दूसरा, अगर यहाँ पे एक फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर कोई डेटा है, अगर आपको ये डेटा जो वो शेयर करना है नेटवर्क पे, तो आपको इंडिविजुअली इन कंप्यूटर के यूजर्स को यहाँ पे बुला के उनके साथ शेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इस कंप्यूटर के अंदर था, इस कंप्यूटर के अंदर शेयरिंग हुई, फिर अगर दूसरे कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा है उसको आपको शेयर करना पड़ेगा, मतलब ये शेयर फोल्डर, एक फोल्डर यहाँ पे पड़ा हुआ, एक फोल्डर यहाँ पे पड़ा हुआ, एक फोल्डर कहीं दूसरी जगह पड़ रहा होगा, इट विल बी लाइक अ डिस्ट्रीब्यूटेड और स्कैटर्ड, और यू कैन से इट इज, दैट इज वाई आई कॉल इट अनऑर्गेनाइज्ड, बिकॉज नथिंग इज ऑर्गेनाइज इन इट। हर एक कंप्यूटर के अंदर जाके आप एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हो, उसको मैनुअली शेयर कर रहे हो, यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, उसको शेयर कर रहे हो, एंड इफ बाई चांस दिस रोहन फॉरगेट्स हिज पासवर्ड, वट विल हैपन? लेट से रोहन वेंट फॉर लीव फॉर लाइक 1 वीक, रोहन जो है वो 1 वीक के लिए छुट्टी पे चला जाता है, ऑब्वियस सी बात है, छुट्टी के बाद वो आएगा तो हो सकता है उसका पासवर्ड भूल गया हो, हम लोग भी भूल जाते होते हैं, इजेंट इट कॉमन। आप एक एक वीक अगर छुट्टी काटने के बाद आओ, मोस्टली आपको पासवर्ड भूल सकते हैं, क्योंकि कंपनीज के अंदर जो आप पासवर्ड यूज करते हो, दे विल बी कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड, सो यू विल फॉरगेट दैट। नाउ हाउ यू विल अलाउ दिस रोहन टू लॉग इन टू दिस कंप्यूटर? आपको एडमिन अकाउंट से इस कंप्यूटर के अंदर लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है, फिर उस यूजर का अकाउंट रीसेट करना पड़ेगा, पासवर्ड उसका, और जो पासवर्ड है वो सिर्फ इसी कंप्यूटर पे चलेगा, दूसरे पे नहीं चलेगा। सो डोंट यू थिंक दैट दिस इज अ मेस, राइट? सो दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी मैनेज्ड, कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, इट हैज लॉट ऑफ चैलेंजेस। सो वट इज द सोल्यूशन? नाउ आई हैव शोन यू द प्रॉब्लम, वट इज द सोल्यूशन?
सो द सोल्यूशन इज सर्वर क्लाइंट मॉडल और आई कॉल इट ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बट इन आईटी इट इज नोन एज सर्वर क्लाइंट मॉडल. सो इन विच यू विल हैव सर्वर्स एंड यू विल हैव क्लाइंट्स. If I talk about my previous presentation or previous slide, there was no server and no client. Every computer was server itself. Every computer was client itself, right? So there was no server. But in this organized infrastructure, we will have a server, not a single server, but group of server. That depends how much is our requirement or what type of services we are going to deploy in our environment. We have to deploy that many servers. Okay. अब अगर आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखोगे, ठीक है, तो ये फायरवॉल, ये एक्सेस पॉइंट, ये स्विच और ये इंटरनेट कनेक्शन सेम एज इट इज वैसा ही है. नेटवर्क वालों ने अपना काम करा हुआ, उन्होंने हमें इंटरनेट फैसिलिटी दे रखी है, कनेक्शन बना के दे रखे हैं. नाउ इट कम्स टू सिस्टम एडमिन्स. I'm talking about the people from MCSA. Now it's their responsibility to deploy servers. साथ के साथ आपको क्लियर हो जाएगा नेटवर्क वाले क्या करते हैं, सर्वर्स वाले क्या करते हैं. ठीक है, नेटवर्क वालों ने क्या किया, इंटरनेट का कनेक्शन परचेज किया, फायरवॉल डिप्लॉय करी, फायरवॉल कन्फिगर करी, उसके अंदर एक्सेस कंट्रोल परमिशन दी, एक्सेस लिस्ट बनाई, सिक्योरिटीज उसके अंदर पॉलिसीज बनाई, स्विचेस कन्फिगर किए. अब यहाँ पे स्विचेस कन्फिगर हो रहे हैं, राउटर कन्फिगर कर रहे हैं, ये आपकी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, एक्सेस पॉइंट कन्फिगर किए, उनके अंदर SSIDs बनाई, ठीक है, उनके अंदर एक्सेस दी, किस यूजर को कितनी बैंडविड्थ देनी चाहिए, वो सारे का सारा, ये सारे का सारा पार्ट किसका है, नेटवर्क टीम का. नेटवर्क टीम विल डू दिस. नाउ द नेक्स्ट पार्ट कम्स इन वेयर वी पीपल द सिस्टम एडमिन्स विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. सो व्हाट वी विल डू, वी हैव नेटवर्क by default created by network team. Now what I will do, I will deploy a server, I will buy a server. मैंने क्या किया, एक HP का server purchase किया या Dell का server purchase किया. ठीक है, let's say I purchased a server, Dell का कोई, मैंने PowerEdge का कोई server purchase किया. ठीक है, I have purchased a server. Now I have to install the operating system on it. So the first operating system choice I would have like Windows Server 2019. So ये आजकल चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं विंडोज सर्वर 2019 यूज करूंगा. सो व्हाट आई विल डू, आई विल इंस्टॉल विंडोज सर्वर 2019 एंड फर्दर आई विल मेक दैट सर्वर, वेदर इट विल बी विंडोज सर्वर 2019 इंस्टॉल करने से वो सर्वर नहीं बन जाता है. लेट मी क्लेरिफाई दिस, हम लोग पढ़ेंगे सर्वर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स वी हैव, बट विंडोज सर्वर 2019 इंस्टॉल करने से वो सर्वर नहीं बन जाता है. उसके अंदर हम रोल्स इंस्टॉल करेंगे, देन दैट सर्वर विल बिकम एन एक्चुअल सर्वर. सो that server can be a active directory server, a dns server, or it can be a file server, or it can be a email server. That depends. Email server is not part of mcsa, but I have just shown you for an example, right? Now inka kaam kya hai, jo active directory jo server main yahan pe bol raha hu, this server will hold users. जितने भी आपके एनवायरनमेंट में जितने भी यूजर्स हैं, अब जो रोहन मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताए थे, मेरे पास तीन यूजर थे, रोहन, रोहित, रमेश, ये तीन यूजर थे ना पिछले एनवायरनमेंट में. मैंने पिछले बार क्या किया था, मैंने ये यूजर यहाँ पे बनाए थे इन कंप्यूटरों पे जाके, है ना, एक एक हर एक कंप्यूटर पे जाके यूजर्स काउंट बनाए थे. अब मैं इन कंप्यूटर्स के अंदर नहीं बनाऊंगा, मैं कहाँ पे बनाऊंगा, इस डोमेन कंट्रोलर के अंदर. ये हम करेंगे प्रैक्टिकली. So what I will do, I will create those users in this domain controller. Okay. अब मैंने आपको example दिया था files, folders मैंने यहाँ से share करे थे पिछली बार, पिछली slide के अंदर मैंने बताया था. हमने अब यहाँ पे नहीं share करने, हमने क्या पे share करने हैं, file server से. I will deploy a file server और इसके अंदर मैं folders बनाऊंगा अलग अलग, depend करता हूँ कौन से तरह के folder. Let's say this is for data, ठीक है, this is for softwares, and this is for some other projects related things, or HR वालों का folder है, IT वालों का folder है. There will be different folders and they fold, those folders will be located in this file server. Okay. Email server का काम होगा, that emails जो आपके computer, आपके environment के अंदर emails होती हैं, वो ये manage करेगा. ठीक है, this is not part of MCSA, but just an example. We can have more servers, DHCP,
WSUS, we have different other servers as well. But let's consider this to understand the infrastructure. Now, what will happen? अब जो रोहन है, ठीक है, कल को इस कंप्यूटर के, बिकॉज दीज कंप्यूटर्स आर नाउ पार्ट ऑफ दिस डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी टू बी स्पेसिफिक. यस संदेश, वी कैन हैव फाइल सर्वर एंड एडी इन सिंगल सर्वर, बट आई एम जस्ट यू नो गिविंग दिस एग्जाम्पल, एंड दिस इज नॉट रिकमेंडेड कि आप एडी और फाइल सर्वर एक साथ ही रखो, ठीक है. देर विल बी कॉम्प्लिकेशन, आपके सर्वर्स के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा, सो दैट इज नॉट रिकमेंडेड. कीप योर फाइल सर्वर सेपरेट फ्रॉम एडी, ठीक है. हमेशा ये बोला जाता है जो आपका डोमेन कंट्रोलर होता है, दैट डोमेन कंट्रोलर विल एक्ट एज DNS एंड DHCP बोथ, ठीक है, बट डोंट पुट एनी अदर रोल इन इट, जस्ट कीप इट AD, DNS and DHCP. बस DHCP आप फायरवॉल से भी कर सकते हो, दैट इज नॉट मैंडेटरी की सर्वर से ही करो, ठीक है, बट DNS एंड एक्टिव डायरेक्टरी इज द प्राइमरी थिंग फॉर अ डोमेन कंट्रोलर. सो इसको यही रखो, इसीलिए मैंने यही रखा एग्जाम्पल के लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी यही हैं और ये मैंने शो भी किया, ठीक है. फाइल सर्वर विल बी एक्ट एज अ फाइल सर्वर, इसके अंदर आप जितने भी फोल्डर्स हैं, ठीक है, वो रखोगे, जैसे मैंने आपको बता दिया. नाउ कम टू द पॉइंट, पहले मैंने यूजर्स यहाँ पे बनाए थे, अब यूजर्स मैंने कहाँ पे बनाए हुए हैं, इस एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर. ये जो रोहन का यूजर है वो यहाँ पे है, रोहित भी यहीं पे है, रमेश भी यहीं पे है, आप चाहे 3000, 4000, 5000, 10000 जितने यूजर्स बनाने बना लो, डिपेंड करता है आपकी कंपनी कितनी बड़ी है और ये डोमेन कंट्रोलर कितना बड़ा है, ठीक है. नाउ योर यूजर्स आर ऑन दिस सर्वर एंड दीज ऑल मशीन्स आर बेसिकली क्लाइंट्स फॉर दिस, ये इसी के पार्ट होंगे, इसी के अंदर ज्वाइंट होंगे इस डोमेन के अंदर, सो दे आर एक्चुअली मैनेज्ड बाय दिस डोमेन कंट्रोलर. व्हेनेवर यू ज्वाइन अ सिस्टम टू अ डोमेन कंट्रोलर और टू अ डोमेन और एक्टिव डायरेक्टरी, दैट सिस्टम विल एक्चुअली मैनेज्ड बाय दिस डोमेन कंट्रोलर आफ्टर दैट. इसके अंदर जो डोमेन कंट्रोलर के जो जितने भी यूजर्स होते हैं वो डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं. अब मैंने जो ये लोहन का यूजर बनाया था, अब ये इस सर्व इस सिस्टम, मुझे यहाँ पे यूजर अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने क्या किया, विंडोज 10 इंस्टॉल करी, विंडोज 10 इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसको डोमेन कंट्रोलर के अंदर ज्वाइन करवाया, बस इतना सा काम मैंने करना है. इसके बाद जो रोहन है वो इसके अंदर लॉग इन कर सकता है, कुछ नहीं करना उसको, जो उसको मैंने यूजर नेम और पासवर्ड दे रखा है उसी यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन करेगा. ही कैन यूज हिज एप्लीकेशन वट एवर डू वट एवर हिज जॉब रोल आस्क हिम टू डू, ठीक है, वो सारे के सारे काम करेगा अपने. अब उसकी जो फाइल्स थी वो इस कंप्यूटर के अंदर ना रह के वो कहाँ पे होंगी, फाइल सर्वर पे, ठीक है. ही इज नॉट सेविंग हिज फाइल्स ऑन दिस कंप्यूटर, ही इज सेविंग हिज फाइल्स ऑन दिस फाइल सर्वर, ठीक है. नाउ नेक्स्ट डे दिस मशीन गॉट करप्टेड, ये खराब हो जाती है, या रोहित इसके अंदर लॉग इन कर लेता है सुबह के. रोहित जो है वो 8:55 पे पहुंच गया, 9 बजे आपकी ऑफिस स्टार्ट होता है, वो 8:55 पे पहुंच चुका है, उसने 5 मिनट पहले आके लॉग इन कर लिया हुआ है सिस्टम पे, तो वो क्या है इसके अंदर काम करने लग जाएगा. अब रोहन थोड़ी ना लॉग इन कर सकता है, तो रोहन को अब क्या है ऑप्शन है, वो दूसरे सिस्टम पे जा सकता है, सेम यूजर नेम और पासवर्ड यूज करेगा, वो इसके अंदर लॉग इन करेगा, उसकी फाइल्स फाइल स्टोर सर्वर पे थी तो वो फाइल सर्वर से अपनी फाइल्स को एक्सेस करेगा, काम करेगा, शट डाउन करेगा, घर चला जाएगा. दूसरे दिन वो तीसरे सिस्टम पे आ सकता है, यहाँ पे लॉग इन कर सकता है अपनी फाइल्स को काम करके, सेम यूजर नेम सेम पासवर्ड सेम फाइल्स उसको हर किसी सिस्टम्स में मिलेंगी. कल को एग्जाम्पल मैंने दिया था, रोहन जो है वो 1 वीक की छुट्टी पे चला जाता है, ही कम बैक एंड नाउ ही फॉरगॉट हिज पासवर्ड. व्हाट इज द सॉल्यूशन, ही विल कॉल यू एज अ सिस्टम एडमिन, वो आपको कॉल करेगा, आई हैव फॉरगॉट माय पासवर्ड, प्लीज हेल्प मी टू रीसेट द पासवर्ड. आप क्या करोगे, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जाओगे, रोहन का पासवर्ड रीसेट करोगे, उसको बोलोगे मैंने आपका पासवर्ड रीसेट कर दिया, ये पासवर्ड लो लॉग इन करो. अब वो जो पासवर्ड रीसेट हो रखा है वो जिस मर्जी कंप्यूटर पे चला जाए काम करेगा. So what is the difference between the previous slide which I have shown and this one? Which one is better? This one is better. Organized. Organized one, right? Organized. Yeah, you can ping on chat. Everyone, which one is better? What do you think? One or two? Two for organized, one for unorganized. Two, sir. Organized. Right? Right, sir.
डिफरेंस समझ गए, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस सर्वर क्लाइंट मॉडल, राइट? आपको समझ आ गया व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, एंड दिस रिक्वायरमेंट विल बी देयर एज लॉन्ग एज आईटी इज वर्किंग. ओके, जहां मर्जी चले जाओ, दिस विल रिमेन द सेम. सो लेट्स मूव फॉर अवर नेक्स्ट स्लाइड. सो नाउ आई हैव डिस्कस्ड अबाउट सर्वर एंड क्लाइंट इन प्रीवियस स्लाइड, राइट? मैंने बोला एक सर्वर और क्लाइंट मॉडल मैंने बताया, और मैंने एक चीज ये भी बताई कि विंडोज सर्वर इंस्टॉल करने से सर्वर नहीं बन जाता वो, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली द सर्वर इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सर्वर? द टर्म सर्वर एक्चुअली इज यूज्ड फॉर अ कंप्यूटर और फॉर अ एप्लीकेशन. ये कंप्यूटर भी हो सकता है, इट कैन बी एन एप्लीकेशन, राइट? द सर्वर इज अ टर्म यूज्ड फॉर अ कंप्यूटर व्हिच प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द क्लाइंट्स. ओके, एंड व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज? इफ यू टॉक अबाउट ईमेल्स, हम क्या बोलते हैं कि आप अगर जीमेल, कई बार अगर आपकी जीमेल नहीं चल रही होती है, अभी मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, फेसबुक जो है वो एक्सेस नहीं हो रही थी, या व्हाट्सएप एक्सेस नहीं हो रहा था, ये चल नहीं रहा था, हम क्या बोल रहे थे, फेसबुक का सर्वर डाउन है. दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. यस सर. सो व्हाट दैट मींस, फेसबुक जहां पे एक, फेसबुक बेसिकली क्या है, एक सर्वर है, ठीक है? जैसे आपको मैंने डेल का पावर एज सर्वर बताया, उसी तरीके से आप फेसबुक के पास देखो, एक सर्वर तो नहीं है, उसके पास हजारों लाखों के हिसाब से सर्वर्स हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि एक सर्वर है, उसके अंदर जो वो वेब सर्विसेज हैं, और वेब सर्विसेज के अंदर फेसबुक की वेबसाइट होस्टेड है. तो ये जो सर्वर है, ये क्या बन गया, फेसबुक का सर्वर. दिस विल बिकम अ फेसबुक सर्वर. सो दिस इज द सर्वर. Now you are using a mobile phone or you are using a computer or desktop whatsoever. Now you are connecting to this server and you are accessing your Facebook or your WhatsApp or whatsoever. So you are client and this is server. So this is actually providing services. तो ये क्या कर रहा है, Facebook की services provide कर रहा है, और ये services किसको provide कर रहा है, आप लोगों को, हम लोगों को, है ना? यस. सो वी आर द क्लाइंट्स. तो जितने भी यूजर्स होते हैं, दे आर क्लाइंट्स, एंड जिसको वो एक्सेस करते हैं किसी सर्विसेज के लिए, दैट इज नोन एज सर्वर. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स. वी हैव डोमेन कंट्रोलर्स. डोमेन कंट्रोलर्स मैंने आपको क्या बोला, जहां पे यूजर्स और पॉलिसीज और एक्टिव डायरेक्टरी, जिसको हम बोलते हैं टू बी स्पेसिफिक, जिसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी होती है, दैट सर्वर इज नोन एज डोमेन कंट्रोलर. गेट इट? एप्लीकेशन सर्वर, देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस वेयर यू कैन डिप्लॉय एप्लीकेशन सर्वर. सो व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन इट कुड बी, जैसे आप जोमेटो की बात करते हो, बाकी का तो किसी को नहीं पता, पर जोमेटो को तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है. जोमेटो जो है वो एक एप्लीकेशन है. अब जोमेटो की जो एप्लीकेशन है वो आपके सिस्टम, आपके फोन पे होती है, या आप वेबसाइट से यूज करते हो, तो आप ऑर्डर प्लेस करते हो, आप रेस्टोरेंट सर्च करते हो, तो वो कहाँ से हो रहे हैं, आपके फोन से थोड़ी ना हो रहे हैं. कोई ना कोई सर्वर है बैक एंड पे, ठीक है? वो सारे का सारा डेटा उसके अंदर है. आपके पास जो एप्लीकेशन दे रखी है आपके फोन के अंदर, वो क्या करती है, इस सर्वर से कनेक्ट करती है, जो आपने क्वेरी सर्च करी है. जैसे आपने अगर फूड सर्च किया, तो फूड सर्च करने के लिए सर्वर पे जाएगा, सर्वर जो आपने सर्च करने के लिए बोला, फूड बोला है, रेस्टोरेंट बोला है, उसके बेस पे जो भी रिजल्ट्स होंगे वो आपके एप्लीकेशन को देंगे, और आपके एप्लीकेशन जो वो दिखाएगी. तो दिस सर्वर इज बेसिकली अ एप्लीकेशन सर्वर. तो जोमेटो इज जस्ट एन एग्जांपल, व्हाट्सएप इज एन एप्लीकेशन. सो जो व्हाट्सएप का सर्वर होगा, दैट विल बी अ एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है? इंस्टाग्राम है, ठीक है? यू हैव सी, वी हैव लाइक मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस, राइट? So those applications who are actually hosted on a system and being used or being accessed from a different devices, that server is known as application server. Getting it? Yes or no? Yes, sir. Good. So yes, sir. The third type of server, yes, as I said, thank you. So this is file or storage server. So file or storage server means a server where different files and folders are created,
राइट, एंड दोज फाइल्स एंड फोल्डर्स आर शेयर्ड ऑन नेटवर्क, सो एवरीवन फ्रॉम देयर ओन कंप्यूटर कैन एक्चुअली कनेक्ट टू दिस सर्वर एंड दे कैन एक्सेस देयर फाइल्स एंड फोल्डर्स. लेट्स से आपने जो एक एचआर का, आप एचआर के डिपार्टमेंट से हो, एचआर वालों का फोल्डर यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, और एचआर वाले अपना जितना भी डेटा वो यहाँ पे स्टोर करते हैं, ठीक है, तो वो लॉगिन तो अपने कंप्यूटर पे करेंगे, लेकिन वो अपनी फाइल्स को कनेक्ट एक्सेस कहाँ से करेंगे, इस फाइल सर्वर से, ठीक है. सो फाइल सर्वर मीन्स अ सर्वर वेयर योर फाइल्स एंड फोल्डर्स आर लोकेटेड एंड शेयर्ड. नो संदेश, एफटीपी इज नॉट काइंड ऑफ इट, एफटीपी इज अ सिंपल डिफरेंट थिंग. ओके कुलदीप, to distinguish between application server and web server is simply web server will be hosting a web application or website, basically not a web application, it will be hosting a website. ठीक है, अब Zomato जो है ना, Zomato भी आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या अपने गूगल क्रोम पे ओपन कर सकते हो. तो Zomato जो है सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन सर्वर नहीं है, इट इज अ वेब सर्वर एज वेल. ठीक है, तो वो वेब सर्वर भी है उसके पास, और उसके पास एप्लीकेशन भी है बैकएंड पे. ठीक है, सो इट्स अ मिक्स, ऐसा कभी एक सिंगल नहीं होता कभी भी कुछ भी. ठीक है, सो फाइल सर्वर, ओके आई एम रिपीटिंग द फाइल सर्वर एज आस्क बाय रोहित. सो फाइल सर्वर इज बेसिकली अ सर्वर, लेट मी जस्ट क्लियर दिस. हाय, यू आर वॉचिंग द रिकॉर्डिंग फ्रॉम वन ऑफ आवर लाइव सेशन, हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स. So let me clear all this and draw this again. So as I said, I have a server, right? So I have installed like Windows Server 2019 on it, and I have created different files or folders. I have created different folders, right? So let's say this folder is for HR, this folder is for IT, right? Yes, Sandeep, I will be covering all these things. I will share the topics what we are going to cover in this course, okay? So this folder is for IT, this folder is for like production. There can be different folders. अब ये जो फोल्डर है वो किसी एक पर्टिकुलर मशीन के अंदर है, मतलब एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर. आई विल यूज द वर्ड मशीन, एंड दैट मशीन मीन्स अ कंप्यूटर. ओके, सो दीज फोल्डर्स आर बेसिकली ऑन अ सिंगल मशीन, राइट, एंड दीज फोल्डर आर नाउ शेयर्ड. शेयर्ड मीन्स यू हैव अलाउड दीज फोल्डर्स टू बी एक्सेस फ्रॉम रिमोट सिस्टम्स और रिमोट मशीन्स. सो अब आपके पास अलग अलग मशीन्स हैं. If you have like अलग अलग computer, this is for HR one, ये HR के लिए, जैसे ये मैं example दे रहा हूँ again, this is for Rohan, ये Rohan का computer है, ये Rohit का computer है, ठीक है, ये Ramesh का computer है, ठीक है, I don't know मुझे ये नाम क्यों याद आए, but ये तीन लोग हैं, ठीक है, मेरी company में. अब जो Rohan है वो HR से है, जो Rohit है वो IT से है, जो Ramesh है वो production वाला बंदा है कोई, ठीक है, तो ये अलग अलग लोग हैं. तो जो एचआर वाला है वो अपने कंप्यूटर पे लॉगिन कर रहा है, वो एचआर वाले फोल्डर को एक्सेस कर रहा है. आईटी वाला लॉगिन कर रहा है, वो आईटी वाले फोल्डर को एक्सेस कर रहा है. ये वाला प्रोडक्शन वाले फोल्डर को एक्सेस कर रहा है. ये अपने अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये फोल्डर्स कहाँ पे हैं, एक सेंट्रलाइज सर्वर पे, जिसको हमने क्या बोला है, फाइल सर्वर. सो दिस इज फाइल सर्वर. सो बेसिकली अ सर्वर विच एक्चुअली होस्ट और कीप फाइल्स and folders in it is known as file server. Getting it? Yes, sir. File server हम बहुत deeply discuss करने वाले हैं. Don't worry about it. This is just an introduction. So sir, email server, yeah? IT का जो बंदा है रोहित सर, वो क्या HR के folder को access कर सकता है? That is not a part of this discussion, guys. So we will discuss that while we will. Rights देना पड़ेगा, rights. Yeah, that comes in. वो company के ऊपर होता है. Yes. Sir, मान लीजिए server ही खराब हो गया, तो फिर कैसे होगा? Folder तो सारा खत्म हो जाएगा. ऐसे नहीं होगा. Backup.
ऐसे सर्वर्स नहीं ना खराब होता, ऐसे सर्वर्स कैसे खराब करने दोगे आप? देखो अगर आप सर्वर डिप्लॉय कर रहे हो सो देर वॉन्ट बी अ सिंगल सर्वर, ठीक है, उनके अंदर हाई अवेलेबिलिटी होती है, बैकअप्स होते हैं, ठीक है. अब आपको सिर्फ एक सिंगल सर्वर का बैकअप, अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ एक सिंगल सर्वर का बैकअप लेना पड़ेगा. कल को ये सर्वर जल जाता है, कुछ भी हो जाता है इसको, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक नया सर्वर बिल्ड करोगे, उस सर्वर के अंदर आप सिर्फ बैकअप से रिस्टोर करोगे, सारी की सारी चीजें वापस आ जाएंगी, ठीक है. जनरल एनवायरनमेंट में आज की डेट में सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो वर्चुअल होता है VMs के केस में, सो देर विल बी VMs, तो ये VMs नहीं जाती कहीं पे भी. अगर आपका सर्वर खत्म भी हो गया तो ये VMs मूव होके किसी दूसरे सर्वर पे चली जाती हैं, सो दे विल कीप रनिंग, थैंक यू सर, ठीक है. सो यस, सो नेक्स्ट इज ईमेल सर्वर्स. सो बेसिकली एज आई सेड, जैसे जीमेल की एग्जांपल लेता हूं मैं, तो जीमेल आपको मेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो बेसिकली बैक एंड पे जीमेल वालों ने क्या करा हुआ है, ईमेल सर्वर डिप्लॉय करे हैं जो एसएमटीपी ट्रैफिक या एसएमटीपी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है. सो जो भी सर्वर जो एसएमटीपी ट्रैफिक के ऊपर काम करता है, ठीक है, मेल ट्रांसफर के ऊपर काम करता है, दोज आर नोन एज ईमेल सर्वर. जीमेल सिंपल सिंपल एग्जांपल है, जिनको नहीं पता ये सबको ही पता होता है जीमेल क्या होती है, ठीक है, हर कोई आज की डेट में एंड्रॉइड यूज कर रहा है. सो संदेश, इन रियल टाइम सिनेरियो बैकअप्स आई विल शेयर सम यू नो टूल्स और आई विल शेयर सम ऑप्शंस व्हिच यू कैन टेक अ लुक, बट हर एक कंपनी का अपना बैकअप टूल होता है, सो यू कांट एक्चुअली लर्न द बैकअप, यू हैव टू लर्न द टूल. सो अगर आप डेल का टूल यूज कर रहे हैं तो आपको वो सीखना पड़ेगा, ठीक है. अब जैसे मैंने डेटो सीखा हुआ है, आई एम डेटो सर्टिफाइड बैकअप स्पेशलिस्ट, तो आई नो अबाउट डेटो. अब अगर मेरी कंपनी डेटो यूज करती होगी तो मैं डेटो पे काम कर पाऊंगा, अगर मेरी कंपनी डेटो यूज नहीं करती होगी तो मुझे जो वो कंपनी टूल यूज करती होगी वो सीखना पड़ेगा. सो दैट डिपेंड्स अपॉन कंपनी, ठीक है. सो वो आपको या तो कंपनी सिखाती है खुद से, या तो फिर वो टूल की आपको पर्टिकुलर जो वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी. सो इट्स नॉट लाइक अ जनरल टूल कि आपने जनरल बैकअप सीख लिया और वो हर जगह काम कर जाएगा, दैट डजंट वर्क इन दिस वे. डेटो अपने तरीके से काम करता है, डेल का वीएमआर है वो अपने तरीके से काम करता है, एक्रोनिस अलग तरीके से काम करता है, वीएम अपने तरीके से काम करता है. सो देर आर थाउजेंड्स ऑफ टूल्स और ये हर एक अपने अपने तरीके से काम करते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट इज योर सिक्वल और डेटाबेस सर्वर. सो जितने भी डेटाबेस होते हैं या सिक्वल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्वर आता है एसक्यूएल सर्वर, ठीक है. सो जिस सर्वर के अंदर आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते हो, दैट सर्वर विल बिकम एसक्यूएल सर्वर और डेटाबेस सर्वर. प्रिंट सर्वर, अ सर्वर विच विल होल्ड द प्रिंट सर्विसेज, दैट विल नोन एज प्रिंट सर्वर. इसके अंदर प्रिंटर्स इंस्टॉल्ड होंगे और प्रिंटर शेयर्ड होंगे, ठीक है. तो कोई भी यूजर जिसको प्रिंट देना वो सर्वर के साथ कनेक्ट होकर प्रिंटर्स को कमांड देता है और प्रिंट कर देता है, ठीक है. Then we have web server. As I said, जो भी websites hosted होती हैं, जैसे Facebook है, ठीक है, या फिर आपकी कोई भी websites हैं, तो वो जो website, जो server websites को host करता है, that server is known as web server. Okay? DHCP server. So DHCP server is basically a server which provides automatically IP address to your clients. So that will be a DHCP server. Then DNS server. Guys, this is just an example. I'm not covering all these, right? This is just an introduction कि servers क्या होते हैं, ठीक है? Just examples. हम ये सारी की सारी चीजें में से देखो, domain controller हम क्या पढ़ेंगे? I will get into it. ठीक है? That is the next thing कि हम लोग इस course में क्या-क्या cover करेंगे? Okay? So DNS server and these are the different examples. So I think you know what is server. आपको basic idea हो चुका है. So, इनमें से जो रोल आप किसी मशीन के अंदर इंस्टॉल कर देते हो वो उस तरह का सर्वर बन जाता है. नाउ व्हाट इज क्लाइंट, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. एवरी एंड यूजर, आप मैं हम सब जो सर्विसेज को यूज करते हैं, वी आर नोन एज क्लाइंट्स. गॉट इट? इफ यस प्लीज. ओके, यस सर, यस सर, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो व्हाई एमसीएसए? देयर इज अ क्वेश्चन, ये बहुत लोग क्वेश्चन. मेरा क्वेश्चन था, या
है जो डोमेन कंट्रोलर है सर, उसके अंदर एडीडीएस आता है। यस, एडीडीएस ही डोमेन कंट्रोलर होता है। ओके सर, सर एडीडीएस और एडी दोनों सेम है सर? देखो एडी तो एक्टिव डायरेक्टरी है, एक्टिव डायरेक्टरी के तीन और सर्विसेज होती हैं, ठीक है? एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, ठीक है, और राइट्स मैनेजमेंट सर्विसेज। पर जो एक्टिव डायरेक्टरी हम जनरल टर्म में जो यूज करते हैं वो डीएस होता है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ओके सर, ठीक है। सो एमसीएसए जो वो डोमेन सर्विसेज को कंट्रोल जो है वो कवर करता है। ओके सर, अगर सर मानो किसी यूजर का पासवर्ड रीसेट करना हो तो वो एडीडीएस एडी के अंदर होता है सर? सब एडी का पार्ट है वो, हम लोग एडी ही यूज करते हैं। फेडरेशन सर्विसेज और सर्टिफिकेट सर्विसेज 5-10% कंपनीज यूज करती हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और इनके अल्टरनेटिव हैं, एडीएफएस का भी अल्टरनेटिव है, ठीक है, एडीसीएस का भी अल्टरनेटिव है, एडी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। और सर ये फाइल सर्वर का जो था आपने बताया, मेरी कंपनी में कैसा ज्यादातर आउटलुक यूज होता है, तो उसका फाइल सर्वर, वो फाइल सर्वर के अंदर नहीं आता, वो किसके अंदर आता है सर? वो आता है मेल सर्विस के अंदर, क्योंकि आउटलुक मेल एप्लीकेशन है। ओके सर, नहीं सर ये क्वेश्चन था कि मेरा सर, अगर मैं आउटलुक खोल रहा हूँ तो मेरे को वो पिछले 2 साल का मेल शो कर रहा है, और उसके बाद जब मैं इसको नीचे जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ वो तो वो नीचे दिख रहा है कि कनेक्टेड टू द सर्वर सर, वो हाँ, किससे तो वो कनेक्ट कनेक्ट होता है सर? एक्सचेंज से, वो ओके ईमेल सर, सर्वर से कनेक्टेड होता है, ओके थैंक यू सर। ठीक है। सो देयर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाई एमसीएसए और विंडोज सर्वर, स्पेसिफिकली विंडोज सर्वर व्हाई, लेट मी टेल यू गाइस, 48% ऑफ एनवायरमेंट्स, एनी एंटरप्राइज एनवायरमेंट यूज विंडोज सर्वर, 48%, ठीक है। और सारे के सारे जो है वो एंटरप्राइज एनवायरमेंट में, उनमें ये जो 48% जो है इनके अंदर विंडोज सर्वर जो है वो एड एज अ एडी, एज अ फाइल सर्वर यही यूज हो रहे होंगे, एज अ आरडीएस सर्वर, ठीक है। दे विल बी 48% मार्केट शेयर इज नॉट लेस, ठीक है, इट्स ग्लोबली 48%, जितने भी सर्वर्स ले लो उनमें से 48% अकेले विंडोज के सर्वर्स हैं, ठीक है। बाकी के 52% जो बचते हैं वो लिनक्स मैक सब कुछ जो है वो, इट कैन बी संदेश, इट कैन बी मोर देन 50%, आई डोंट नो, बट ये जो 40% की 48% की जो फिगर है, आई हैव गॉट इट फ्रॉम गूगल। अब देखो मैं खुद से तो क्या ही सर्च करूंगा, दिस फिगर इज फ्रॉम गूगल, ठीक है। गूगल सेज दैट 48% सर्वर्स आर विंडोज सर्वर्स, बाकी सब मिलके कंबाइंड मैक लिनक्स यूनिक्स सब मिलके जो 52% बनाते हैं। तो यू नो मोर नंबर ऑफ सर्वर्स मीन्स मोर नंबर ऑफ जॉब्स, मोर नंबर ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज। नाउ 76% ऑफ डेस्कटॉप्स आर रनिंग ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इट यूज टू बी 76%, बट नाउ इट हैज क्रॉस्ड 80% ऑफ मार्केट शेयर। मतलब पूरी दुनिया में अगर 100 कंप्यूटर भी हैं पूरी दुनिया में, तो उनमें से 80 कंप्यूटर तो सिर्फ विंडोज पे चल रहे हैं, सिर्फ 20 कंप्यूटर पे लिनक्स मैक और ये बाकी सारी चीजें होंगी। तो इतने सारे कंप्यूटर्स अगर विंडोज पे ही चल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उन विंडोज का कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, विंडोज सर्वर्स, राइट? सो ऑब्वियस सी बात है, इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ डिवाइसेस, मोर नंबर ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज यू हैव, दैट इज व्हाई एमसीएसए इज इंपॉर्टेंट। नाउ एक्सचेंज एंड ऑफिस 365 और एज्योर, आई फॉरगेट टू मेंशन एज्योर इन दिस, बट if you want to move to Azure and if you want to do the same thing in Azure, you have to have knowledge of MCSA. Office 365, Exchange, Outlook की अभी बात कर रहे थे आप, Outlook जो वो Office 365 और Exchange के ऊपर ही चलता है। अगर Outlook connected है, it means backend पे Exchange या फिर Office 365 का server होगा, ठीक है। तो ये Office 365 और Exchange जो वो Windows सर्वर के बिना काम ही नहीं करते हैं, उनको Active Directory चाहिए चलने के लिए। तो Active Directory कहाँ पे चलेगी? Windows सर्वर पे। तो हट फिर के अब Exchange और Office 365 तो चाहे आप AWS यूज कर लो, GCP यूज कर लो, ईमेल सर्विसेज तो कंपनीज इन्हीं की यूज करने वाली हैं। तो हट फिर के आपको विंडोज सर्वर चाहिए चाहिए।
बाकी ज्यादा नहीं होंगे, बट एक सर्वर तो आपको एक्टिव डायरेक्टरी का चाहिए ही चाहिए. ओके सर. सो इफ यू आर मूविंग टू क्लाउड स्टिल यू नीड एमसीएसए, द नॉलेज ऑफ एमसीएसए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट यू गेट अ सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट इज जस्ट लाइक अ डिग्री, और यू कैन से दैट इट इज जस्ट टू शो द कंपनी दैट आई हैव डन दिस. बाकी उसका कोई काम नहीं होता है. सर्टिफिकेट आपको सिर्फ इंटरव्यू के सीट पे बिठाने के लिए यूज होती है सर्टिफिकेशन. उसके बाद आपका नॉलेज मैटर करता है. इफ यू हैव लर्न्ड द स्किल, इफ यू हैव द स्किल और आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, आपको जॉब मिल जाएगी. एक बंदा जिसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है लेकिन नॉलेज है, वो इंटरव्यू की सीट पे पहुंचना उसके लिए मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो पहुंच गए तो जॉब मिल ही जाएगी. ठीक है, एक बंदे के पास सर्टिफिकेशन है लेकिन नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, वो इंटरव्यू की सीट पे तो पहुंच जाएगा लेकिन वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएगा, उसको जॉब नहीं मिलेगी. सो यू नीड टू हैव बोथ ऑफ द दीज थिंग्स. सी आफ्टर एमसीएसए यू कैन कंटिन्यू लुकिंग फॉर द जॉब. स्टिल कंपनीज आर आस्किंग फॉर एमसीएसए एंड आफ्टर दैट यू कैन मूव टू ऑफिस 365 और एज्योर. यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस. एज्योर एंड ऑफिस 365 इज लाइक अ ट्रेंडिंग थिंग. ठीक है, यू हैव लाइक millions of jobs और बहुत अच्छी पैकेज भी हैं. Azure के अंदर तो बहुत ही अच्छा पैकेज है. मेरा खुद का फ्रेंड जो है वो 20 लाख के पैकेज पे गया हुआ है. सो यू कैन कंसिडर कि कितना पैकेज है इनका. और वो 20 लाख के पैकेज भी बहुत टाइम के बाद नहीं, उसको सिर्फ 6 साल हुए इंडस्ट्री में. 6 साल के बाद उसने अपना करियर स्टार्ट किया था 3 लाख से, और 5 साल के अंदर अंदर वो 20 लाख पे पहुंच गया है. ठीक है, सो मैं खुद 20 लाख पे नहीं पहुंचाऊंगा गाइस, क्योंकि मैं ठीक है, इट्स पर्सनल reasons, बट दिस इज हाउ इट कैन बी डन. ओके, सो हाइपर वी इज समथिंग विद दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन MCSA. एंड हाइपर वी इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टाइप वन वर्चुअलाइजेशन सोल्यूशन. ठीक है, आफ्टर VMware. इफ यू हैव हर्ड अबाउट VMware, VMware जो है वो ग्लोबल नंबर वन कंपनी है वर्चुअलाइजेशन के बाद के लिए. सेकंड पे कौन है? हाइपर वी. सो इफ यू नीड, अगर कंपनी बोलती है यू नीड टू लर्न वर्चुअलाइजेशन, इधर इट शुड बी VMware और हाइपर वी, इन दोनों में से कोई एक. कोई स्पेशलाइज्ड नहीं मांगते होते हैं कंपनी वाले. बोलते हैं अगर आपको वर्चुअलाइजेशन आती है, चाहे आप VMware पे आती हो चाहे हाइपर वी पे आती हो, क्योंकि अगर आपने हाइपर वी सीखा हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट VMware के ऊपर भी है, सिर्फ उसका टूल अलग होता है, उसका ओवर मतलब उसका जो इंटरफेस है वो अलग है. ठीक है, जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े से अलग है, लेकिन काम सेम वैसे ही होता है. हाइपर वी के अंदर भी आप वर्चुअल मशीन्स बनाओगे, VMware के अंदर भी वर्चुअल मशीन बनाओगे, यहाँ पे भी आप वर्चुअल नेटवर्क बनाओगे, वहां पे भी वर्चुअल नेटवर्क बनाओगे, सेम वैसे ही चलता है. सो हाइपर वी इज द सेकेंड लार्जेस्ट वर्चुअलाइजेशन सोल्यूशन. लेट्स कंसिडर जो पूरे का पूरा एज्योर है, पूरे का पूरा एज्योर जो वो हाइपर वी के ऊपर चलता है. बैक एंड पे जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के अपने सर्वर्स हैं, वो हाइपर वी पे चलते हैं. ठीक है, सो यू नो हाइपर वी इज ग्लोबली नोन सोल्यूशन. सो इफ यू नो अबाउट इट, हाइपर वी की अकेली भी जॉब्स आती हैं. इफ यू आर वेरी वेरी गुड इन हाइपर वी की अकेली जॉब्स आती हैं, देन यू कैन गेट लाइक अ गुड पैकेज ऑन इट, वेरी गुड पैकेज. आई कैन नॉट से कि कितना गुड पैकेज. यू कैन यू नो हाइपर वी के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो सिर्फ हाइपर वी के ऊपर ही काम करती हैं. सो यू कैन हैव अ वेरी गुड पैकेज, सेम एज इट इज VMware. जैसे VMware सर्टिफिकेशन के बाद आप VMware के अंदर अपना करियर बना सकते हैं, हाइपर वी हैज द सेम थिंग, और दैट इज कंट्रोल दैट इज कवर्ड इन MCSA. सर सिलेबस में है क्या हाइपर वी? यस इट इज, हम सिलेबस अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, so this is how important MCSA is. Now let's consider or let's see what we are going to discuss or learn in MCSA. You can take a screenshot of it, right, and you can save it with you, because as soon as you are joining in to this course, you will be start learning these things, right? So tomorrow, from tomorrow onwards, we will start discussing about Windows Server Network Fundamentals. So in network fundamentals, we will discuss DHCP server and we'll have practical lab, obviously. Then we will discuss routing and remote access services and DHCP Relay Agent, that is covered in RRAS. Then we will discuss DNS and how DNS works and what are the concepts of hierarchy, zones,
domains, right, or DNS records, all this will be covered under DNS. So this is Windows Server. These are basically, these are three different modules, right? So in this first module, we will discuss these three things, RRAS, DHCP, and DNS. Further, we will move. Who is this? PDF share kar dena. Yes, I will have this PDF shared, but yeah, obviously I will share this. So I will have a link on this and will share it over there. Jaise hi aapka user portal, sir, portal pe kar dena. Yes, it will be shared there. Okay, don't worry. Then we will move to identity and access control. So in identity and access control, we will learn about Active Directory complete. We will discuss domain controller, joining domains. We will discuss about sites, domain, trees, forest, replication, trust relationship. We'll discuss about users, group, OUs, logins, ADC kya hota hai, RODC kya hota hai, child domain kya hota hai, FSMO rules kya hota hai, kaam kaise karte hai, that all we are going to discuss. Then we will discuss group policies or group policy management or GPO. Theek hai? So this is very, very important stuff. So we will discuss that, right? And then after that, we will discuss print and file server, and we'll discuss DFS. Then we will discuss remote desktop services, or known as RDS. Okay. Then we will, after completing this, we will move our things to, or our syllabus to, infrastructure management. In infrastructure management, we will discuss Hyper-V and virtualization concepts, how to create virtual machine, how to deploy Hyper-V, how to work with Hyper-V, high availability or failover clustering. Okay, clustering hum padhenge. So that all will be discussed in this. And after that, we will discuss web servers using IIS, and we will discuss FTP server as well, right? And after that, we will discuss WDS and WSUS. We'll do the lab as well. After that, we will discuss migration and upgrades, how you can migrate your server or how you can upgrade your server to different version. Let's say if you are running Windows Server 2012 R2 and you want to move to 2019, and this is going to happen. Let me tell you, almost 40% of companies are currently running on Windows Server 2012 R2 because that is a server which was deployed in back in 2013, right? So abhi maximum companies jo hoti hain wo is server ko use kar rahi hain. ठीक है. नाउ विंडोज, दिस विंडोज सर्वर 2012 R2 विल बी आउट ऑफ सर्विस इन 2023. ठीक है. और कंपनीज आर नाउ माइग्रेटिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर टू 2019. ठीक है. तो जो जो भी लोग जिनको माइग्रेशन आती है, ठीक है, अराउंड 2022 और 2023 और इन करंट वर्जन एज वेल, ठीक है, करंट सिनेरियोज में भी लोग जो वो 2012 से मूव कर रहे हैं 2019 पे. सो यू नीड टू हैव गुड नॉलेज ऑफ माइग्रेशन एंड अपग्रेड्स, देन ओनली यू कैन डू दिस. एंड इफ यू नो दिस, ऑब्वियसली यू विल हैव जॉब्स. ठीक है. सो वी विल डिस्कस दैट. अलोंग विद इट, वी विल डिस्कस अबाउट विंडोज टूल्स एंड ऑल. देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सौरभ. नो सौरभ, SCCM इज नॉट पार्ट ऑफ दिस. SCCM इज कंप्लीटली डिफरेंट एप्लीकेशन. इट इज नॉट पार्ट ऑफ विंडोज सर्वर. So with SCCM, we will cover WSUS, right? WSUS is a part of MCSA. So you will get a little knowledge how SCCM works, because WSUS is like free version of SCCM. SCCM to dekho bahut badi application hai apne aap mein. It's not only for it, it's basically for application development, sorry, deployment, theek hai, पैकेजिंग और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं. सो SCCM इज अ पेड एप्लीकेशन और इसका अलग ही होता है. मतलब जो SCCM का मैनेज करते हैं पीपल, दे आर नोन एज पैकेज मैनेजर्स, और पैकेजिंग टीम उनको बोला जाता है, और दे आर एप्लीकेशन डेवलपमेंट वालों के साथ काम करते हैं. ठीक है. या SCCM एक्चुअली, इफ यू नो SCCM, तो SCCM के लिए स्पेशली SCCM एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं. ठीक है. उसके लिए जॉब ही अलग होती है. दे आर नॉट नोन एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, दे आर नोन एज SCCM एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है. ओके सर. या सो
वर्किंग विद विंडोज टूल्स ऑब्वियसली वी विल डिस्कस डिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, रीड वॉल्यूम्स क्या होते हैं, इवेंट व्यूअर में हम कैसे काम करते हैं, टास्क मैनेजर में हम कैसे काम करते हैं एंड बेसिक ट्रबल शूटिंग्स. ठीक है, इफ यू हर एक टॉपिक के साथ जब हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे, आई एम नॉट ओनली गोइंग टू कवर दीज टॉपिक्स, ऑल्सो विल शेयर माई एक्सपीरियंस कि मैंने किस टॉपिक के अंदर क्या क्या इश्यूज शेयर करे हैं, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, और उनके जनरल रेजोल्यूशंस क्या होते हैं. सो दैट ऑल विल बी देयर फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो दैट इज, मैंने ट्रबल शूटिंग यहाँ पे मैंशन नहीं किया है, बट वी आर एक्चुअली कवरिंग द ट्रबल शूटिंग एज वेल विद ईच एंड एवरी टॉपिक. कि जैसे अगर DNS है तो DNS के अंदर आपको किस किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, किस किस तरह की आपके पास क्वेरीज आ सकती हैं बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है, DHCP के अंदर क्या हो सकता है, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आपके पास किस किस तरह के इश्यूज आएंगे. सो दैट ऑल वी आर गोइंग टू कवर विद इन और अलोंग विद दिस दिस कोर्स, राइट. सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन माई पॉइंट ऑफ व्यू और हाउ आई वॉन्ट टू यू नो डिलीवर दिस and if I compare that with a general trainer or training centers, because maine khud jo wo training center se course kiya tha back in 2015, right, to jab maine kiya tha to basically trainers jo hote hain wo sirf books ke andar jo hota hai wahi batate hain ki maine ye wala topic cover kar diya, ye wala topic kar diya, ho gaya. theek hai, as a student aapko bhi nahi pata hota ki ye topic jo hai wo aage ja ke kaise use hone wala hai. theek hai, और जो ट्रेनर्स होते हैं उन्होंने खुद नहीं काम किया होता, बिकॉज दे हैव लर्नड द थिंग्स और वो वही आगे पढ़ा रहे हैं आगे. ठीक है, सो इट्स नॉट हाउ दे डू इट, आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड आई हैव लाइक एक्सपीरियंस. यू सी देर आर डिफरेंट थिंग्स विच यू सी इन MCSA, बट आई हैवंट मेंशन्ड दोज हियर. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट इन यूज, वो यूज नहीं होती हैं. सो दैट इज व्हाई आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम, माई टाइम एज वेल. और अगर आपके पास देखो चार चीजें पढ़ो बट उनको अच्छे से पढ़ो, 40 चीजें पढ़ो और उनको कोई भी अच्छे से नहीं पढ़ा, दे हैव यू विल नॉट हैव एनी बेनिफिट ऑफ इट. ठीक है, अगर आप अकेली एक्टिव डायरेक्टरी बहुत अच्छे से पढ़ते हो, एक्टिव डायरेक्टरी अकेली बहुत है आपको जॉब के लिए, अकेली आपको और कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो वी विल फोकस ऑन दीज टॉपिक्स. सो यू हैव टॉपिक्स इन फ्रंट ऑफ यू. So you have like a roadmap what we are going to cover in this course, right? Hello. Yes, Ashok. We can discuss about MS Exchange also, right? In this MCSA. Was it told? What? I'm asking whether we can cover up MS Exchange with this course or not. I'm not sure. I have to discuss that with the team because MS actually Exchange... they shared me with your team. Actually, they are supporting. I think they shared one syllabus where I seen MS Exchange also. Okay. See, if they have shared Exchange, obviously I will be sharing or I will be covering that. I'm actually not sure about the syllabus. If Exchange is not part of MCSA, right? Exchange is a completely different thing. So if that is told to you that we are going to cover in this, because it depends, right? If Exchange is in your course scenario, because the term that they have we are launching right now, right? This has a different syllabus and different approach we are, applying this time. So I think we are going to cover Exchange. So I will discuss this. And if this is told to you, obviously we are going to discuss Exchange as well. Okay. And also more question, we can do some training on the scripting also, right? The sales scripting. Yeah, basically scripting is just you need to use the commands, and if you know the command scripting, yes, is just you need to create the actually path. I have a little idea about this self scripting, but I need some proper training on that. Basically PowerShell scripting is basically a different thing.
you need to have knowledge of, you know, programming and coding for that. So because that completely covers all the programming things, how to create variables, how to create programs, how to create conditions and all. Can you share me some links or something to learn about? That I will do, obviously. Each and everything where you want to discuss or want to learn deep regarding that concept, obviously I will be sharing links for each and everything. It's not only for PowerShell, right? I will show you how PowerShell works, how modules are installed on PowerShell, and what basic things we can do with PowerShell. Scripting is not covered in it, right? So let me tell you, scripting is like not, you cannot do that that in one way. Just at the beginning, for scripting you need to have a good knowledge of programming, which is myself I don't know as well. Right, so PowerShell scripting is like, agar aap PowerShell scripting seekh rahe ho, that means you are preparing yourself for DevOps or for automation. Yes. Theek hai, general environment mein you won't see PowerShell more often or scripting. So that is a part of, like, if you want to prepare yourself for like DevOps and all, then obviously you will see that. So that is like very advanced thing. So at least you can share me, you know, if you, yes, you can obviously share me some that is what some links or source. See, that's what I'm saying, that I will share the basics of your PowerShell, right? How to add a role using PowerShell, how to do basic things with PowerShell, and if we are going to do Exchange, so we have different things we need to do with PowerShell only. So how to learn more about PowerShell, or if you want to learn specifically the scripting and PowerShell, both, don't confuse both of these things. Scripting is you are actually creating scripts or creating programs using different PowerShell commands, right? So how you can do this, I will obviously, if you want to learn more on that, I will share the link. Ki this ye link hai, just go on this link and you can search about it or you can read about it. Wo, it's not only for PowerShell, it will be for every topic. Okay. Yes, Sandesh, you are saying Azure. See, main Azure के ऊपर तो बेसिकली आपको नहीं, अगर देखो एक्सचेंज है हमारे सिलेबस में तो एज्योर का लिटिल बिट टच यू विल बी देयर. एज्योर के अंदर तो नहीं जाएंगे हम, बट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली हम देखेंगे, ठीक है? एज्योर के अंदर मैं आपको सिंपली ये बता सकता हूँ कि ये चीजें जो एज्योर में कैसे होंगी अब, ठीक है? सो एज्योर तो मैं आपको सिंपल में टर्म में बताऊं, अगर आप एज्योर की ट्रेनिंग भी करते हो तो एज्योर की ट्रेनिंग के लिए आपको ट्रेनिंग जो है वो उनका लेना पड़ता है, ठीक है? इट्स नॉट लाइक कि आप एजोर के अंदर अपने आप से कुछ बनाओ और करने लग जाओ. सो एजोर के अपने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं. बीइंग अ यूजर, आप पूरी जिंदगी में फ्री ट्रायल जो एजोर का सिर्फ एक ले सकते हो, ठीक है? अनटिल एंड अनलेस कोई आप दूसरा कोई पैन कार्ड यूज नहीं करते, बिकॉज अगर आप एजोर का फ्री टेनेंट यूज करते हो, इधर आपके पास एजोर का कूपन होना चाहिए, ठीक है? या आप फर्स्ट एक ही बार जो है एजोर का फ्री टेनेंट यूज कर सकते हो, बिकॉज इट रिक्वायर्स पैन कार्ड, और वो आपको आइडेंटिफाई आपके यूजर नेम मेल आईडी से नहीं करता, आपके पैन कार्ड से करता है. तो पैन कार्ड तो आपका डुप्लीकेट नहीं हो सकता. तो आपके पास सोल्यूशन, हम लोगों को भी यही होता है कि अगर आपको एजोर की सब्सक्रिप्शन दोबारा से अगर टेनेंट उसका फ्री टेनेंट यूज करना है, तो या तो आप अपने पापा का पैन कार्ड यूज करो, मम्मी का करो, तब आप कर सकते हो, क्योंकि अपना तो कर बैठे हो, ठीक है? सो एजोर इज नॉट लाइक इट्स अ premium thing, to be honest. Okay, so I think that is all, and you have a good idea what we are going to discuss in this whole training, and you, I hope you have understood the importance of it, right? Any more questions so far, or everything clear? Yeah, Manoj, saying something? No, I'm not singing. Okay. All right, guys. So it's 11:16, and I hope it was a good session, and you must Hello. Have enjoyed it. Yes. Yes, Anil. Sir, time duration of this course?
If I talk about time duration, it will be between 50 to 60 hours. It will be in hours I can share about. So आप count कर सकते हो, if each day we have 1 hour of class, so it will take, if you consider like 22 days a month, then yeah, almost 2.5 or 3 months. Obviously 2.5 months or more than that. Okay, sir. Okay. Sir, can you share the link, sir, to the recording video? It will be on YouTube, I think. Just go. It is uploaded into YouTube, so you can have this on YouTube. You can just go to Networking's channel and you can search for it. It will be there. Okay, sir. Thank you. All right. Good night, sir. All right, guys. Thank you, everybody. Thank you very much for joining this session. So hopefully you will join and we will start our next things on it, and we'll start building the servers and playing with those. Right? That's it. All right. Thank you.